हमेशा दूसरों की सफलता के बारे में जानने से अच्छा है कि खुद की सफलता के ऊपर काम करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल भोला फिटनेस। आज का जो आसन है उसका नाम है उत्थित पद्मासन। इसके फायदे बहुत सारे हैं, इसके करने का तरीका भी मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले मैं कहना चाहूंगा मेरे YouTube चैनल भोला फिटनेस को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ पूछना हो, बताना हो, समझाना हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट उत्थित पद्मासन। तो उत्थित पद्मासन करने के लिए आप ऐसे पद्मासन में बैठ जाइए। अब पूरे पद्मासन में बैठने के लिए ये पैर एक जगह के दूसरे ऊपर रखेंगे, दूसरा पैर इसके ऊपर रखेंगे। ये पूरा पद्मासन हो गया। अब उत्थित पद्मासन करने के लिए हाथों को कमर के साइडों पे लाएंगे और इससे अपने आप को उठाने की कोशिश करेंगे। अब आप ऊपर उठ गए, अब इससे के बाद आप दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। यहाँ पर आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे, तो ये जितना ऊपर उठ सकते हो उतना ऊपर उठाएंगे और ऊपर उठा के जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर लेके जाएंगे। और यहाँ पर आप 5, 10, 15, 20 सेकंड तक रुकने की कोशिश करेंगे। ये है उत्थित पद्मासन, हाथों पर खड़ा होना और पैरों को ऊपर की तरफ लेना। अब इस आसन के फायदे की अगर बात करूँ तो इसमें दिमाग के सारे रोग दूर होते हैं, चिंता, टेंशन, मानसिक रोग, डिप्रेशन, तनाव, जितने भी सर दर्द, ये सारे इससे ठीक होते हैं उत्थित पद्मासन से। और पेट के जितने रोग होते हैं, पाचन, डाइजेशन, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होना, गैस होना, पेट में दर्द और पेट की चर्बी, इसे भी कम करता है। इस आसन को आप घर में 3 से 4 बार दिन में कर सकते हैं। और जितना पैर ऊपर ले जाएंगे, उठाने की कोशिश करेंगे, उतना आपको फायदा होगा इससे। तो इस आसन को आप घर पर जरूर करने की कोशिश कीजिए। एक बार फिर से मैं आसन दिखाता हूँ कि हाथों पर बैलेंस करना, इसको ऊपर उठाना। पहले तो आप ऐसे उठ गए, फिर ये, तो इस पोज में आपको जितने देर रुक सकते हैं, जितना भी कैपेसिटी है उतने देर रुकना। तो इस आसन को घर पर जरूर करने की कोशिश करें। YouTube चैनल भोला फिटनेस से बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।